बहुत स्वागत है रेवा इंडिया न्यूज पर। और चलिए देखते हैं आज की यह खबर। जिला कलेक्टर से मिले जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय सिंह परिहार, बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा और निवास विधायक डॉक्टर अशोक मस्कुले इस संकट की घड़ी में भी भाजपाई कर रहे हैं राजनीति, कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों का आरोप। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। पटवारियों का समूह उनके कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहा है। एक तरफ मोदी जी सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा में आप देख रहे हैं, वीडियो फुटेज है हमारे पास कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का इतना ज्यादा मजाक उड़ाया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और अधिकारियों का अपमान ऐसा डेढ़ साल में कांग्रेस ने कभी नहीं किया, कभी करेगी विपक्ष में भी करेगी कि माफी मांगने के लिए भाजपा कार्यालय में अधिकारी जा रहा है, अपने लिए सर्व की बात है। ऐसा तो कहीं हुआ नहीं कि माफी मांग लिया, हम उम्मीद करते हैं कि आप कहते हैं कि और अच्छा आप करो, हम सहयोग करेंगे आपके हर कामों में, पार्टी विपक्ष में नहीं हो सत्ता में, हम लोग हमेशा आपके सहयोगी हो, प्रशासन के लिए कंधे से कंधा लगा के हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मजेंगे होगी। कल की एक घटना है, मुझे अचानक पता चला कि जब अपने क्षेत्र में था तो यहाँ की जो SDM है सुलेखा ठाकुर जी, उनको अचानक SDM से हटाकर जो है कंट्रोल रूम प्रभारी बना दिया। हमको बड़ा आश्चर्य लगा, लोगों का फ़ोन मेरे पास आना शुरू हुआ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। हमने फिर कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब ने कहा प्रशासनिक स्तर पे ये सब हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन जब धीरे धीरे मैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया है तो उसका कुछ अलग ही प्रकार का माजरा था कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और उनके जो पदाधिकारी हैं वो अननेसेसरी उनसे दबाव बना के कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो प्रशासकीय रूप से सही नहीं होता है, और इसी बात के ऊपर उन्होंने यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार का दबाव तो बनाया, हालांकि कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में मीडिया के बीच में जो बात हमको समझ में आ पा रही है कि पिछले 2-2.5 साल से हमारा 1.25 साल में जिस SDM को या उसकी कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न नहीं उठा, आज बिना किसी वजह से बिना किसी स्पष्ट कारण के उनको एकदम से हटा देना, वो भी इस समय जब पूरा देश पूरा विश्व पूरा मंडला एक कोरोना के संकट से जूझ रहा है, ये बड़ा आश्चर्यजनक एक बात है। आज कलेक्टर साहब से भी मिले, कलेक्टर साहब ने भी वही बात कही कि एक प्रशासकीय स्तर से उनको कंट्रोल रूम में शिफ्ट किए हैं, लेकिन मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आई। हमने उनसे यही कहा है कि देखिए एक बहुत ही क्रिटिकल समय है, एक मजिस्ट्रेडियल पावर की ज़रूरत पड़ती है आज, और उन्हीं को देख के जहाँ आपने तहसीलदार को बिठाया उनके पास में वो पावर नहीं होता है कि वो कुछ निर्णय ले सकें। हमारा यही कहना है कि यथावत उनको कर दिया जाए। हमारे पास में कई उनसे रिलेटेड कर्मचारी संगठनों के फ़ोन आ रहे हैं, आम जनता यहाँ के वरिष्ठ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि कोई ऐसी बात ही नहीं सामने आई। पर ये मेरा सीधे तौर पे कहना है कि जिस अधिकारी पर आज तक कोई प्रश्न नहीं उठा किसी भी प्रकार की लिप्तता या किसी उसके किसी भी प्रकार के उसके कार्यप्रणाली पर जब कोई प्रश्न नहीं उठा, अचानक से उनको शिफ्ट करना, मुझे लगता है कर्मचारी संगठनों में भी इसको लेके एक रोष की बात है। वो लोग भी मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते मैं आज कलेक्टर साहब से उसी के लिए मैं मिलने आया, और मेरे साथी जो विधायक हमारे बड़े नारायण पट्टा जी और हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, हम सीधे तौर पर उनसे कहें कि देखिए इस पर ये राजनीति करने का समय नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की प्रशासन व्यवस्था सुदृढ़ रहे, आज की हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे पास बहुत काम है, हमारे यहाँ का लेबर वर्ग हजारों की ताकत में बाहर फंसा हुआ है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं जुटाना बहुत ज़रूरी है। हमने उनसे कलेक्टर साहब से यही निवेदन किया है कि उनको यथावत कर दें ताकि हमारे यहाँ की व्यवस्थाएँ सुदृढ़ बनी रहे। दोस्तों मैं हूँ कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे थे रेवा इंडिया न्यूज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.com। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर करना